Good evening to all of you. Today we will discuss the question answers of the chapter Pinocchio. लास्ट वीडियो पे हमने ऑलरेडी इसकी समरी देखी हुई थी, हमने पूरी चैप्टर को लर्न किया हुआ था विद समरी एंड एक्सप्लेनेशन. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड पिनोकियो वांट टू बी. व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेड. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन बता रहा है आपको व्हाट डिड पिनोकियो वांट टू बी मीन्स पिनोकियो क्या बनना चाहता था, क्या होना चाहता था. तो जैसा आपको भी पता है, हमने पढ़ा भी हुआ है कि पिनोकियो क्या बनना चाहता था. पिनोकियो हमेशा से ही स्कूल जाना चाहता था, एक रियल बॉय बनना चाहता था. और सो फर्स्ट आंसर हमें इसे ही लिख देंगे. अब जब आंसर हम राइट करेंगे यहाँ, तो आंसर राइट करते समय आपको क्या करना है. पिनोकियो वांटेड. वाई वांटेड, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कौन से फॉर्म में आपसे पूछा है, डिड. सो आंसर भी आप देंगे सिंपल पास्ट टेंस में. वांट क्या हो जाएगा, वांटेड. सो पिनोकियो, क्योंकि हमने डिड यहाँ से हटाया है, तो आपको भी पता है कि सिंपल पास्ट टेंस का रूल होता है, सब्जेक्ट के साथ में आप हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं. सो आप आंसर यहाँ पे लिखेंगे पिनोकियो वांटेड टू बी अ रियल बॉय. पिनोकियो हमेशा से ही एक रियल बॉय बनना चाहते थे एंड गो टू स्कूल, और हमेशा से ही स्कूल जाना चाहते थे. ओके, सो दिस विल बी आवर फर्स्ट. आपने देखा होगा बुक पे भी आपके दो पार्ट्स हैं, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट पिनोकियो वांटेड टू हैव फन एंड अब्यूज हिमसेल्फ. इसका आंसर हमें सेकंड चैप्टर पे मिलता है कि आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि पिनोकियो हमेशा से क्या चाहते थे, वांटेड टू फन. पिनोकियो हमेशा से एक फ़न करना चाहता. जब उन्होंने देखा बीच में पपेट की शो देखा, तो पिनोकियो ऑल्सो वांटेड टू हैव फन एंड एम्ब्यूज हिमसेल्फ. एम्ब्यूज हिमसेल्फ मतलब खुद को एम्ब्यूज करना चाहते थे, एंटरटेन करना चाहते थे. सो दिस वाज द पिनोज डिज़ायर्ड. ओके, सो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हुआ पिनोकियो वांटेड टू बी अ रियल बॉय एंड गो टू स्कूल. Second part is Pinocchio wanted to have fun and amuse himself. क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पे टू पार्ट्स दिया हुआ है, इसलिए हम दोनों पार्ट को ऐड करेंगे. और दोनों ही पार्ट आपका फर्स्ट पेज पे, आपको फर्स्ट आंसर फर्स्ट पेज पे लास्ट लाइन आप देखिएगा, लास्ट स्टैंजा पे लिखा हुआ है पिनोकियो ऑलवेज वांटेड टू बी अ रियल बॉय एंड गो टू स्कूल. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन. लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर टू. दिस इज़ द क्वेश्चन Why did the owner of puppet show get angry? Means यहाँ इस क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहे हैं कि why did the owner means मालिक, ठीक है. why did मतलब क्यों हो गए थे, क्या हो गए थे. puppet show get angry. puppet show के जो owner थे, मालिक थे, वो गुस्सा क्यों हो गए थे, उनको गुस्सा क्यों आया था. सो हमें भी पता है कि puppet बीच में हमने ऑलरेडी स्टोरीज़ पे देखा है कि पिनोकियो को देख के बाकी सारे भी जितने भी पपेट थे वो शाउट करने लगे, और इसलिए उनके जो ऑनर थे एंग्रीली फिर उन्होंने बोला. तो एंग्रीली उनके ऑनर ने कब बोला, जब बाकी सारे पपेट्स शाउट करने लगे. सो दिस विल बी आवर आंसर. हमारा आंसर क्या होगा, द ऑनर ऑफ पपेट शो गॉट एंग्री बिकॉज ऑल द पपेट शाउटेड फॉर ज्वाइन हिम ऑन द स्टेज. अगेन हमने यहाँ पे गॉट एंड शाउटेड टू फॉर्म यूज़ किया है. वाई, बिकॉज क्वेश्चन किस में पूछ रहा है आपसे. आपको हमेशा टेंस को भी ध्यान में रखना है क्वेश्चन आंसर देते समय, क्योंकि टेंस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिंपल पास्ट टेंस में, डिड का यूज़ है यहाँ पे. सो वाई डिड द ऑनर ऑफ पपेट शो गेट एंग्री. पपेट शो के ऑनर इसलिए एंग्री हुए थे क्योंकि वो सारे जो पपेट थे वो शाउट करने लगे. शाउट करना मीन्स चिल्लाना. देखिए, शाउट करना मीन्स चिल्लाना, क्योंकि वो चिल्लाने लगे थे. क्यों चिल्लाने लगे थे, क्योंकि वो चाहते थे पिनोकियो उनको ज्वाइन करे. सो दिस विल बी द आवर आंसर, द ऑनर ऑफ पपेट शो गॉट एंग्री बिकॉज ऑल द पपेट शाउटेड फॉर ज्वाइन हिम ऑन द स्टेज. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री इज व्हाट डिड द लैम फॉक्स एंड द ब्लाइंड कैट want to take away from Pinocchio. जो लंगड़े भेड़िए उनको मिले थे, लोमड़ी मिली थी जो उनको हमने बीच में देखे थे, और एक अंधी ब्लाइंड कैट. वो एक्चुअली में तो वो ब्लाइंड और लैम नहीं थे, वो लोग प्रिटेंड कर रहे थे, ऐसा शो कर रहे थे कि वो लोग बिकॉज टू मेक फ्रॉड विद पिनोकियो, ऐसा उनको शो कर रहे थे. तो क्वेश्चन आपका यही है, ये क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा किया था. क्यों जो लेम फॉक्स थी और जो ब्लाइंड कैट, वो पिनोकियो से क्या चाहते थे, क्यों वो पिनोकियो के पास आए थे. तो हमें भी बहुत अच्छे से पता है कि पिनोकियो, हमने स्टोरीज़ पे देखा था कि पिनोकियो बहुत खुश होके जा रहे थे और उनके पास में उनके जो ऑनर थे उन्होंने उनको 5 गोल्ड कॉइन दिया था, तो वो 5 गोल्ड कॉइन वो लेम फॉक्स और जो ब्लाइंड कैट थी वो लेना चाहते थे। सो आंसर हम कैसे करेंगे, द लैम फॉक्स एंड द ब्लाइंड कैट। ओके, द लैम फॉक्स एंड द ब्लाइंड कैट वांटेड, अगेन यहाँ पे हमने वांटेड किया बिकॉज डेड लगा हुआ है, वांटेड टू टेक अवे द गोल्ड कॉइन फ्रॉम द पिनोकियो। इस क्वेश्चन में देखिए आपका सिर्फ एक ही आंसर है, द गोल्ड कॉइन को हमने यहाँ पे ऐड किया है, बाकी सारे सीक्वेंस आपको द लेम फॉक्स एंड द ब्लाइंड कैट यहाँ से आपको शुरुआत करनी है और उसके बाद में सिर्फ आपको लिखना है सब्जेक्ट के बाद में आप लिखेंगे टू टेक अवे द गोल्ड कॉइन, ओनली द गोल्ड कॉइन विल बी द आंसर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड जेपेटो रीच द वेल, मीन्स जेपेटो वेल के पास तक कैसे पहुँचे। हमने देखा था कि बीच में जब ट्रबल आ गई थी पिनोकियो को, जब उनको डोंकी, जब वो एज अ डोंकी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो उनको वापस से उनको सी पे थ्रो कर दिया गया। सो क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं आपसे कि जेपेटो वेल के पास तक कैसे पहुँचे, तो इसका भी आंसर हमने बुक पे देखेंगे। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल अबाउट कि जेपेटो वेल के तक कैसे पहुँचे। अब आप हमने भी स्टोरीज़ पे देखी है और ये पिक भी आपकी स्टोरी पे दी हुई है कि जेपेटो बहुत वरी हो गए थे। ओके, और उस टाइम पे उन्होंने क्या देखा, उस टाइम पे उन्होंने एक स्मॉल बोट को लेके ही वो पिनोकियो के सर्च में निकल गए थे और ऑल ऑफ सडन वहाँ स्टॉर्म आया, स्टॉर्म मीन्स तूफान आया और जेपेटो उनकी बोट के साथ में। अब देखिए, तो इसे ही हमें आंसर पे लिखनी है कि जेपेटो हैड वरीड सो मच अबाउट पिनोकियो, कैसे पहुँचे, तो सबसे पहले जेपेटो बहुत वरी थे, सो दैट्स वाई जेपेटो हैड वरीड सो मच अबाउट पिनोकियो दैट ही सेट आउट इन अ स्मॉल बोट टू सर्च फॉर हिज पपेट, कि वो छोटी सी ही एक बोट लेके पपेट की अपनी पपेट की तलाश में निकल पड़े। द बोट हैड टर्न्ड ओवर इन द स्टॉर्म, ऑल ऑफ सडन हमने ये देखा था कि जो बोट थी वो टर्न हो गई थी, किसमें, स्टॉर्म पे, ऑल ऑफ सडन वहाँ स्टॉर्म्स आए थे एंड वो बोट टर्न हो गई थी। ओके, फिर क्या हुआ था, वेल जो थी उनकी, जेपेटो एंड द बोट हैड बीन स्वेलोन्ड। सो यहाँ पे देखिए स्वेलोन्ड मीन्स क्या होता है, निगलना। सो जेपेटो और जो बोट थी उन दोनों को ही क्या की थी, वेल ने निगल लिया था। ओके, इन द गल्प बाय द वेल, इन द गल्प का मीन्स क्या होता है, गले से, ठीक है, गले से जो वेल थी उन्होंने जेपेटो और बोट दोनों को ही निगल लिया था। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, एक बार फिर से हम इसे रिकॉल करते हैं। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर आपने स्टोरी को पूरी समझी है तो बस आपको याद, पैरेटिंग नहीं करनी है यहाँ पे, आपको केवल सीक्वेंस को याद करनी है। सो जेपेटो हैड वरीड सो मच अबाउट पिनोकियो दैट ही सेट आउट इन अ स्मॉल बोट टू सर्च फॉर हिज पपेट। जेपेटो अपने पपेट के लिए बहुत परेशान थे और वो खुद ही एक छोटी सी बोट में ही पपेट की तलाश में निकल पड़े। द बोट हैड टर्न्ड ओवर इन द स्टॉर्म, जो बोट थी वो तूफान में पलट गई। जेपेटो एंड द बोट हैड बीन स्वेलोन इन द गल्प बाय द वेल। सो जेपेटो और जो बोट थे दोनों ही गले से, दोनों को ही जो वेल ने थे वो अपने गले के रास्ते से क्या किया, निगल लिया। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट आंसर, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। इट इज़ हाउ डिड पिनोकियो लुक आफ्टर जेपेटो। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, हाउ डिड पिनोकियो लुक आफ्टर जेपेटो। सो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे हैं कि कैसे पिनोकियो ने जेपेटो की देखभाल की। हमने देखा कि क्योंकि जेपेटो की हेल्थ बहुत अफेक्ट हुई थी जब वो पिनोकियो को बचा के लाए थे, क्योंकि वो वेल के अंदर से चले गए थे एंड ही वॉज अ ओल्ड मैन। सो उस टाइम पे उनकी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट आई थी। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि पिनोकियो ने वापस आने के बाद में जेपेटो की किस तरह से देखभाल की। सो पिनोकियो ने क्या किया था, पिनोकियो, आंसर आप लिखेंगे पिनोकियो केयर्ड फॉर जेपेटो, कुक्ड फॉर हिम एंड वर्कड फॉर हिम। सो जेपेटो बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्गर वंस अगेन। सो पिनोकियो ने क्या किया था, केयर्ड, अगेन आप केयर्ड, हमेशा ये पूरी स्टोरी किस पे है, आपने नोटिस की होगी कि पास्ट टेंस में है बिकॉज ये पास्ट इवेंट है। सो पास्ट टेंस में आपको आंसर देते समय क्वेश्चन टेंस का बहुत ध्यान में रखना है। सो इसीलिए पिनोकियो केयर्ड फॉर जेपेटो कुक्ड फॉर हिम, उनके लिए क्या किया उन्होंने, उनकी केयर की, पिनोकियो की केयर की, कुक्ड फॉर हिम उनके लिए खाना बनाया, एंड वर्कड फॉर हिम और उनके लिए काम किया. सो जेपेटो बिकेम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्गर वंस अगेन. इसलिए क्या हुआ, जेपेटो फिर से एक बार हेल्दी और स्ट्रॉन्गर बन सके. सो दिस इज़ द लास्ट आंसर. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एंड इफ़ यू वॉन्ट एनी हेल्प फ्रॉम योर इन योर स्टडी, प्लीज़ राइट अस. वी विल डेफिनेटली हेल्प यू. थैंक यू.